लगाओ भाई। आज राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर अत्तापुर एरिया में रामबाग रामवाली मंदिर के नज़दीक में एक मकान से एक सुबह 10:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि बाजूक में रहे सो रूम में से धुआं स्मेल आ रहा है बोल के फॉल स्मेल आ रहा है बोल के पुलिस की इन्फॉर्मेशन आया। तो हमने आके आजू बाजू के लोगों के सामने लाख तोड़ के देखो रूम देखे तो रूम के अंदर एक औरत 35 से 40 साल उम्र की औरत कोई मार के पड़े सो है। उनको सिर पे ऊपर चोट है और पूरा खून निकलते हुए 3 दिन पहले ऐसा मर्डर हुए से जैसा दिख रहे। तो ये पूरा मालूम करने के बाद मालूम चला कि ये औरत का नाम है ज्योति, इन्हों बीदर रहने वाला है, बीदर से यहाँ के 2-3 साल से हैदराबाद में रहे। इनके इनके मर्द को इनको बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है, वो कोर्ट में केसेस भी पेंडिंग है बोल के बोल रहे। फिर बीच 2 साल से यहाँ पे रह रहे, बच्चों को यहाँ पढ़ाते हुए आजू बाजू घरों में काम करके औरत जी रही है। तो परसों सुबह बच्ची को स्कूल भेजने के बाद फिर शाम में बच्ची स्कूल से आए तक रूम को लॉक करके था। तो बच्ची इधर उधर देख रहे, उनका बड़ी माँ के घर में जाके बोल दी। तो वो लोग कल और आज पूरा ढूंढने के लिए गांव चले गए बोल के सोच के सब फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करते रहा। आज सुबह ये इंसिडेंट होने के बाद अभी स्कूल रिकॉर्ड वगैरह वेरीफाई करने के बाद उनका बड़ी माँ घर जाके वो लोगों को बुलाने के बाद मालूम चला कि 1-2 साल से एक श्रीकांत बोल के और एक बच्चा से औरत एफआईआर में हरकत है। तो उन्होंने कल ने परसों के सुबह दिन बच्ची जब स्कूल निकला जब भी श्रीकांत साथ में थे बोल के बोल रहे। श्रीकांत अभी तो फरारी में है, उनको अगर पकड़ने के बाद थोड़ा और डिटेल्स मालूम होने के चांसेस है। अरे छोड़ो जी बच्ची को, अरे